अभी हमें अपने गांव के सबसे ऊंचाई पे जो घर है वहाँ पे। अरे यहाँ आए तो सब्जी तो चाहिए ही। नहीं, आपको कैसे ठंड लगी, आप तो हॉट हो ना। पानी को धार देने के लिए पत्ता लगाया हुआ। साड़ी के मैचिंग का थैला देखो। मानता है कि मानता नहीं। आई नो आई एम ब्यूटिफुल। अब तुम सब लोग ऐसे देखोगे तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हो जाऊंगी, यू नो। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक, ये है मम्मी पाठक। और घुटनों में दर्द है, चल नहीं पा रही हूँ, दिल ऐसा है होली में जाने के लिए, रगड़ रगड़ के चल रही हूँ, पाँव फिर भी जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। तो आप समझ गए कि हम लोग जा रहे हैं होली में, आज है होली डे टू। और आज ना मेन गांव जो है हमारा वहाँ नहीं है, मतलब ऐसा है ना, बीच में रोड है, रोड से नीचे गांव, रोड से ऊपर गांव, तो ऊपर हम लोग आज जा रहे हैं। दोनों माँ बेटी के पैर में ऑलरेडी दर्द है, पर मन है कि मानता नहीं और दिल भी नहीं मानता, इवन होली में तो दिमाग भी नहीं मानता है कि मानता नहीं। चलिए फिर चलते हैं। आज मेरी मम्मी ने पीला क्या पहना, देखो पीले पीले ही फूल खिले हैं हर जगह। क्या बात है मम्मी, क्या बात है। हाँ, नेचर तुम्हें कॉपी कर रहा है यार, बाय गॉड। ये चढ़ाई जो है कैसे जाया जाए, ऊपर भी होले आ रहे हैं, सब लोग लगे हुए रास्ता ऊपर को। हाँ, लाठी मिल रही है, वो वहां पे कांटे हैं। लो भैया, लाठी मिल गई मम्मी को, मम्मी का तो हो गया जुगाड़, बेटी कैसे जाए। लाठी टेकी घुना टेकी, सबे जनी आओ, सबे जनी आओ, चार दिन होली उनी खुशी में मनाओ, चार दिन होली खुशी तुम मनाओ। ये बुढ़िया कितनी रंगीली हो रही है होली में। तो देखो अब तो ये जगह ऑलमोस्ट वीरान है, पर यहाँ कभी लोग रहते थे। ये देखो एक घर है, यहाँ कभी कोई लोग रहते होंगे। और मम्मी कह रही कि जब बारिश के टाइम पे ना गाय बकरी होती थी तो यहाँ घास बहुत ज़्यादा होता था ना, यहाँ खुले खेत थे, तो यहीं जानवर को रखा तो वो ईजी रहता था। देखो क्या है ना, कितना सुंदर है नेचर। मजेदार है ना, इतने मोटे नल से इतना थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा और करीब जाके देखेंगे। तो पानी को धार देने के लिए पत्ता लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से बरसाती पानी होगा ना, जब बरसात होगी तब आता होगा। और मैं मम्मी को कह रही हूँ छोड़ यार, होली होली यहीं बैठते हैं, आवाजें आ रही है चारों ओर से, आए हाय सुनो। है ना, थक गई, गालों में नेचुरली ब्लश लग गया, लाल हो गए गाल, रेड रेड चीक्स। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, वो दिख रहा है ना हरा घर दिख रहा है क्या, वहीं जाना है हमको। भगवान होली को रखा जाए इतर, तो ये जगह देखो, मेरा कलेजा निकल गया, इस जगह को देख के मन करा यहीं बैठ जाऊं। पर हमारी जैसे की बस की नहीं है इतनी सुंदर नेचर में रहना, हम आलसी लोगों की, आई विश मैं भी काम की होती। रास्ता देखो, ये पुल है बेसिकली, ये देखो ये देखो ये देखो, एंड वी आर डन, पहुंच गए हैं यहाँ, डांस चल रहा है। ये चाची के घर में आज होली। नमस्कार, ठीक ठाक? जिनके घर में ना वो चाचा जी के यहाँ से हमने दूध लगाया था, हमारी हालत खराब हो गई आने में, और चाचा पहुँच जाते सुबह 7:30-8 बजे दूध लेके, बताओ। और मम्मी और मैं अभी ब्रेक में, मतलब हम लोग आके बैठ गए, थोड़ी देर बाद सबको प्रणाम करेंगे। थैंक यू चाची। कितना सुंदर कुत्ता है देखो, अब आप कहोगे कुत्ता सुंदर, हाँ मतलब कितना सुंदर है देखो, एकदम परी परी सा, ओहो क्यूट कहीं के। और अब आप ये मत कहना उसके गले में क्या आबादा है, क्योंकि मुझे पता है आप कंप्लेन करोगे, वो इसलिए क्योंकि वो जंगल के बीच में रह रहा है ना, देखो यहाँ भी जंगल है और नीचे भी जंगल है, तो उसकी सेफ्टी के लिए जब वो अंदर सोता होगा तब हटा देते होंगे। आज मम्मी मैचिंग थैला, मैचिंग स्टॉल, सब कुछ येलो येलो, टुडे इज अ येलो डे है ना।
अबीर भी येलो लगता मजा आ जाता है, अबीर भी येलो लगता मजा आ जाता, पिंक लग गया। होली, क्या तुम्हें पता है होली है, तभी तो तुम सफेद सफेद बने हो ना है ना, हैप्पी होली। हैप्पी होली इन्ना क्या बिजी है तू खाने में, हैप्पी होली बोले। जिनके घर में होली अभी थोड़ी देर में, उन्होंने कितनी अच्छी दे ली, ऐपन कर रखी है। असल ऐपन यही होता है, गेरू होती है जो मिट्टी, उसमें विस्वार के, विस्वार यानी चावल के आटे के ऐपन। देखो ओ मेरी भाभी, आज आपको भिगा दूं फिर, क्या भिगा दूं आज आपको? नहीं तो बोझी बुढ़ी गया नहीं आके भिजू, ठंड लग गई। आप बुढ़ी होने गई पर नहीं हो? नहीं नहीं, आपको कैसे ठंड लगी, आप तो हॉट हो ना। अभी हमें अपने गांव के सबसे ऊंचाई पे जो घर है वहां पे, इसके पीछे देखो जंगल ही जंगल है। हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली भाभी। देखो गाय के ऊपर चुनिया, क्या यार चुनिया तुम्हारे ऊपर बैठ जाती तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता, क्यों क्यों? अब इनके यहाँ की सुपारी और सॉफ्ट सुपारी और टीके की बारी, ये इतना टेस्टी होता, दिन भर खाती हूँ रात भर खाँसती रहती हूँ। ये भाभी रंग लगा रही है, अब यहाँ पे बैठ के होली होने लगी, मतलब बैठ के गाने वाली। गुलाबी पीली जुल्फों वाली लड़की, ऐसे कर ऐसे कर, ओहो इनका तो अभी वो करना बाकी है, ब्लेंड करना बाकी है, मेकअप हो रहा था। आपने बोला रहना यही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा बोला, चूल्हे का हमको क्यों नहीं खिलाओगे? मतलब अपने चूल्हे में बना खाओगे, हमसे कह रहे गैस का बनाओ खिलाऊंगी, ये तो गलत बात है ना। बनाऊंगी आप किसका बनाते हो, हम उसी में खाएंगे।
यहाँ आए तो सब्जी तो चाहिए ही, बारिश आ रही थी का क्या करना है? मांगला चुपचाप चुपचाप भी मांगला। होली में आए, शादी में आए, किसी में भी आए, सब्जी लेना सबसे जरूरी। मत बिजी है यारो, बिजी है, कुछ कर रही है माना। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, क्या लेंगे? मेथी, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और ये अब जाने वाली होली हो रही है, अब जाएंगे। आज की होली समाप्त और बारिश आने लग गई है। हम लोग कितने नीचे से आए हैं पता नहीं, आज शायद हम भीगने वाले हैं। बाय बाय। बाय 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 भाभी। मम्मी ने अपनी संभाल के रखी थी लट्ठी। हाँ मैम उसे कह रही है ढूंढ दे, अंदर ही अंदर हो रहा है, दे दे दे। वो देखो चाची वो दे रही है हमको जामर, गोभी भी हुई है चाची के पास। आज हमारी जैसे लट्ठी टेक टेक के चल रही है। एक दिन ऐसा होता था कि इसी रास्ते सर में घास की गड्डी होती थी और इस रास्ते में लिटरली लेके जाती थी। इतना भारी बोझ होता था सर में, फिर जाते थे। और पता क्या, तो चल हर आराम से, पता क्या हम लोग सोचते थे मम्मी ऐसा क्यों करती होगी यार, मतलब लोग होली खेल रहे हैं, मतलब ये जो होली नॉर्मल है यहाँ पे लोग, जब हमारी गाय होती तब की बात बता रही, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते हैं तो हम पे तो ऐसे खेत वेत थे नहीं, ठीक है, तो आराम से जाना। तो मम्मी क्या करती थी कि किसी के वहाँ भी जाएगी ना, और लोग भी इतने काइंड, हमारे गांव के इतने प्यारे लोग ना, वो हमेशा प्यार करते हैं यार, मतलब पता नहीं बहुत प्यार करते हैं सब। तो कहीं भी जाएंगे, चाहे जिसके यहाँ होली है या जिसके यहाँ शादी भी है, लिटरली जिसके घर में हम गए हैं वहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे, लोग नाच गाना कर रहे होते थे, मेरी मम्मी वहाँ उनके खेत में जाके घास काट रही होती थी या कुछ ऐसा जुगाड़ कर रही होती थी कि शाम को हमारी जो गाय है वो घास खा पाए। अब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्यों ज़रूरत हो रही थी ऐसा, या वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना उससे आई थिंक सब लोग गुजरते हैं एक टाइम पे। और फिर दूसरे एक तो ये, मतलब मैं नहीं कह रही हम बहुत गरीब थे, हमारे खाने के लाले थे, ऐसा नहीं था, पर हाँ मम्मी पापा को बहुत सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, मतलब जो वो कर सकती थी वो करके, ठीक है। उसके बाद अभी अब ये देख के ना मतलब ऐसा लगता है यार, लाइक क्या है ना। और दूसरी बात है कि मम्मी को ना ऐसे बैठे रहना, अभी भी वो पेन में है, उसके बाद भी उसको ऐसे बैठे रहना बिल्कुल नहीं पसंद, उसको बस चलते फिरते रहना है, उसको एक्टिव रहना है, वही पसंद है, क्योंकि पूरी लाइफ उसने वैसे ही काटी है ऐसा। बाकी अब हम चले हैं नीचे, अभी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, छाता वाता तो लेके नहीं आए थे, बन के तो हीरोइन आए थे है ना, पर अभी जा रहे हैं, अभी शायद हमें आदमी लोग की होली मिले, पापा वहाँ पे आए हैं। और मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।